सभा का सत्र कल से शुरू होगा और पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। इसी सत्र में सीए के खिलाफ कांग्रेस सरकार प्रस्ताव लेकर आ सकती है। केरल और पंजाब की तर्ज पर प्रस्ताव लाने की चर्चा है। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जयपुर आगमन से पहले राजस्थान विधानसभा का सत्र हो रहा है, लिहाजा इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। सीएए के विरोध में केरल और पंजाब की सरकारों ने विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित कर दिया। अब लगता है राजस्थान सरकार भी ऐसा करेगी। इसके लिए राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव लाने की चर्चा है। सभा का सत्र भी चालू होने जा रहा है और गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा और उसके बाद शनिवार को भी विधानसभा की कार्रवाई रहेगी। और मुझे लगता है कि जो कानून पारित हुआ है लोकसभा में विधानसभा में, वो कानून बन चुका है, लेकिन अगर किसी की असहमति है तो उसको जाहिर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं विरोध हो रहा है तो उसका संज्ञान लेकर, ऐसा नहीं है कि पहले किसी कानून को संशोधित नहीं किया गया, उसमें तब्दीली नहीं लाई गई है, हम तो पुनः विचार के आग्रह कर रहे हैं। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर बीएसी की बैठक होगी, इसी में आगे होने वाले विधायी कार्यों को तय किया जाएगा। शोकाभिव्यक्ति के बाद एससी एसटी आरक्षण को बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सीएए पर प्रस्ताव बीएसी पर चर्चा के बाद ही लाए जाने की बात कही जा रही है। राज्यपाल अभिभाषण पर बहस भी सदन में होगी। पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। देश का जो युवा राहुल गांधी की ओर देख रहा है वो आज उसकी शुरुआत हो रही है राजस्थान से। 28 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली होगी और एक इतिहास बनेगा। जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल गांधी जी पर नजर है और राजस्थान पर विशेष रूप से नजर है, तो ये राजस्थान से इसकी शुरुआत होगी, पूरे देश में ये क्रम चलेगा और निश्चित रूप से युवाओं में बड़ा एक आक्रोश है देश की सत्ता के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश के प्रधानमंत्री पर, और निश्चित रूप से उसका गुब्बार निकलेगा। अगर सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो ये संभवतः पहली ऐसी घटना हो सकती है जब संसद में पारित प्रस्ताव को राजस्थान सरकार विधानसभा के जरिए चुनौती देगी। संवैधानिक इतिहास की ये बड़ी घटना राजस्थान के लिए हो सकती है। उधर बीजेपी ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कमर कस ली है। सीएए के पक्ष और विरोध की सियासत नजर आने वाली है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। विधानसभा सत्र को